हम मौजूद हैं श्रीनगर के मशहूर मार्केट अवकाफ मार्केट के बाहर, और आपको यहाँ बता दें कि आज वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दुरक्षा अंद्राबी ने यहाँ का दौरा किया। उनने कहा, दुकानदारों से भी मुलाकात की, उनने क्या कुछ कहा वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनने ये कहा कि अब जो है वक्फ बोर्ड अपने जो है नए प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है, और दुकानदारों से भी अपील की गई कि वो जो है अपने जो किराया है उसको फौरी तौर जो है अदा की जाए। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने कई जगहों का भी दौरा किया, उसके साथ साथ उन्होंने आज इस मार्केट का पहली बार दौरा किया। जब से वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दुरक्षा अंद्राबी बनी है तो पहली बार यहां पर जो है उन्होंने विज़िट किया, उसके साथ साथ उन्होंने ये हमसे कहा कि हमने सवाल उठाया था क्या ये बिल्डिंग जो है जो हसासा है यहाँ का, इसको रेनोवेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माजी में जो भी वक्फ बोर्ड में रहे हैं उनकी गफलतशुआरी से जो है ये बिल्डिंग अब तक रेनोवेट नहीं हुई। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आगे जाके हम जो है इस बिल्डिंग को रेनोवेट भी करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ का स्ट्रक्चर साथ साथ बढ़ेंगे तो ज़्यादा नहीं बन जाएगा, जो ये आपको याद ही नहीं रहता है 10,000 बनता है 1,00,000 बनता है तो ठीक नहीं रहेगा, हमारे लिए भी परेशानी हो रहा, आप लोगों के लिए भी परेशानी बन रहा है। अदरवाइज जो आ रही जो कश्मीर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, और इस मार्केट में आना हमें आज से 1 साल पहले था, लेकिन तब से हम देख रहे थे सारा, क्योंकि आप जानते हैं कि कश्मीर के हालात भी उस कदर सही नहीं रहे हैं, मार्केट्स हमेशा बंद भी रहे हैं, और इनको हमने जब से आए हैं तब से हमने मार्केट और दुकानदारों को ये बताया है कि हमारा किराया क्या है, और नए सिरे से आपको किराया नामा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दुकान भी हैं जो हमने पहले नहीं बताया जो इनके नाम पे हैं भी नहीं और सबलेट भी किए गए हैं। और हमने सबों को ये भी बता दिया है कि जो किराया है यहाँ पे ज़्यादा किराया भी नहीं है, 2,000 किराया है, और अगर ये 1 महीने में 1,000-2,000 रुपया भर देंगे तो इन पे बोझ भी नहीं पड़ेगा। और तारीखी मार्केट को हम हिस्ट्री में जो ये हमारा नाम है, ये जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का ये वक्फ मार्केट है, और यही हमारा असासा है। अगर ये असासा हमारे वक्फ बोर्ड में नहीं रहेगा या ये किराया नहीं देंगे तो वक्फ चलेगा कैसे, यही हमारा असली असासा है। जिन्होंने ये वक्फ किया है या ये वक्फ मार्केट बनाया गया है, ये इस तरीके से बनाया गया है ताकि वक्फ बोर्ड ज़्यादा तरक्की करे। ये बिजनेस है और बिजनेस हब होना चाहिए था, यहाँ से अरबों रुपया आना चाहिए था, लेकिन हालात और बाकी आप सब कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे हजारों भी नहीं अभी आ रहे हैं। मैम, आर देयर एनी प्लान्स टू रिनोवेट और प्रिजर्व ओल्ड वक्फ बिल्डिंग्स? इंशाअल्लाह रहमान, वो हमारा प्लान है ही, क्योंकि अब स्मार्ट सिटी भी है और स्मार्ट वक्फ भी बन रहा है, और हम इंशाअल्लाह रहमान सारा स्मार्ट कर लेंगे।